नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अभय न्यूज के 20 दिसंबर सोमवार के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सुमन तिवारी। चलिए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल में जारी बर्फबारी का असर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में दिख रहा है। इस वजह से मध्य प्रदेश के कई शहर भी कड़ाके की ठंड की चपेट में हैं। बीती रात सीजन की सबसे सर्द रात रही, न्यूनतम तापमान 5 डिग्री पहुंच गया। लगातार दूसरे दिन सीवियर कोल्ड डे रहा। मौसम विभाग का कहना है कि संभल कर रहिए, सर्दी के सीतम से अभी राहत नहीं मिलेगी। मौसम साफ होते ही शहरवासियों को कड़ाके की ठंड का एहसास हुआ। पिछले 3 दिनों से कोल्ड वेव का असर जारी है। हवाएं उत्तरी होने से हाथ कपा देने वाली ठंड पड़ रही है। सोमवार को आसमान साफ रहा, तेज धूप निकली, लेकिन सर्दी के आगे धूप फीकी रही। दिन भर लोग गर्म कपड़ों में लदे रहे, बावजूद इसके लोग ठिठुरते रहे। कई लोगों ने अलाव का सहारा लिया, ऊनी कपड़ों की भी लोगों ने जमकर खरीदारी की। रविवार को न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री था, जो सोमवार को 5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। मौसम विभाग के मुताबिक अभी 2-3 दिन और कपा देने वाली ठंड पड़ेगी। ऐसे समझे कोल्ड और सीवियर कोल्ड डे को। अधिक सर्दी को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, कोल्ड डे और सीवियर कोल्ड डे। सर्दी के तापमान के मुताबिक ये तय किया जाता है कि कोल्ड डे है या सीवियर कोल्ड डे। जब न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से कम होता है तो अधिकतम तापमान में सामान्य के मुकाबले 4.5 डिग्री की कमी आती है, तो इसे कोल्ड डे कहा जाता है। वहीं जब न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से कम रहता है लेकिन अधिकतम तापमान में सामान्य के मुकाबले 6.4 डिग्री की गिरावट आती है, तो इसे सीवियर कोल्ड डे कहते हैं। अपनी मांगों को लेकर वकीलों ने सोमवार को फिर से काम बंद रखा। दिन भर वे हड़ताल पर रहे। सप्ताह का पहला दिन होने से कोर्ट में कामकाज नहीं होने से पेशी पर आए लोग खासे परेशान हुए। दरअसल उज्जैन के वकील भी इंदौर के वकीलों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के समर्थन में हैं। इस संबंध में जबलपुर से अधिवक्ता परिषद ने हड़ताल का समर्थन करने का आदेश दिया था। अभिभाषक डीपी सभरवाल ने बताया कि इंदौर के अभिभाषकों के समर्थन और कुछ जजों के व्यवहार को लेकर एक दिन के लिए कामकाज बंद रखा गया है। मध्य प्रदेश अधिवक्ता संघ जबलपुर की ओर से एक बैठक में निर्णय पारित किया गया कि आज 20 दिसंबर 2021 को एक तो इंदौर के जो अभिभाषकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल है उसके समर्थन में जुडिशियल के कुछ तथाकथित न्यायाधीशों द्वारा वकीलों के साथ अवैध व्यवहार किया जाता है एवं न्यायालय में उन्हें अपमानित किया जाता है, इसके संदर्भ में मध्य प्रदेश अधिवक्ता संघ द्वारा आज एक दिन का कार्य से विरत रहने का आह्वान है, जिसके समर्थन में उज्जैन बार संघ भी आज दिनांक को कार्य से विरत रहेगी। शहर में आईफोन की डुप्लीकेट एक्सेसरीज बिक रही हैं। नई सड़क की 5 दुकानों पर छापा डालकर पुलिस ने 5,50,000 रुपए कीमत की एक्सेसरीज बरामद की है। दरअसल आईफोन की प्राइवेसी के लिए काम करने वाली ग्रीफिन इंटेक्चुअल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड की शिकायत पर पुलिस ने यह कार्रवाई की। एजेंसी के रीजनल मैनेजर विशाल हीरा सिंह जडेजा ने नई सड़क की देवी मोबाइल, हेमा मोबाइल, शू पॉइंट, किंग मोबाइल एवं छाया कलर लैब से आईफोन की डुप्लीकेट एक्सेसरीज बिकने की जानकारी दी थी। पुलिस की मदद से दबिश दी तो बैक कवर, एप्पल वॉच, ईयरबड मिले। डुप्लीकेट बैक कवर 1500 रुपए में बेच रहे थे, जबकि 50,000 कीमत की एप्पल वॉच केवल 8 से 10 हजार रुपए में बेची जा रही थी। 15 से 25 हजार कीमत के ईयरबड केवल 800 से 1000 रुपए में बेचे जा रहे थे। पुलिस कार्रवाई के दौरान स्थानीय भाजपा नेताओं ने दखल अंदाजी की कोशिश भी की, पुलिस पर दबाव भी बनाया गया। दबाव बनाने वाले भाजपा नेता मंत्री समर्थक बताए गए हैं। फिलहाल दुकानदारों के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। अनियमितता पाए जाने पर 420 और GST चोरी की धारा भी बढ़ सकती है। दुकानदारों को सोमवार तक पकड़े गए माल का बिल पेश करने की मोहलत दी गई है। ग्रिफिन इंटेलेक्चुअल सर्विसेज कंपनी के रीजनल मैनेजर द्वारा एक आवेदन दिया गया था। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर कोतवाली थाना क्षेत्र की व्यापारी की दुकानों पर आज छापामार कार्रवाई की गई है, जिसमें एप्पल कंपनी आईफोन की एसेसरीज जैसे एयरबड्स, कवर्स को, वॉचेस को रिकवर किया गया है, जो कि सभी ही डुप्लीकेट, कई डुप्लीकेट पाई गई हैं। कुल 5.5 लाख रुपये का माल जब्त किया गया है। आगे अपराध पंजीबद्ध कॉपीराइट मुकदमे के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। आगे दस्तावेज मांगे गए हैं, जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो की जाएगी। ये करीबन 4-5 व्यापारियों की शॉप से निकाला गया, अभी प्राइमर फेज ही 5.5 लाख रुपए का माल समझ में आ रहा है।
भगवान महाकाल के दर्शन करने के लिए रविवार को वीआईपी का जमावड़ा रहा। इंदौर में अपनी आगामी फिल्म लुका छुपी 2 की शूटिंग के लिए पहुंची सारा अली खान भी उज्जैन आई। वे सीधे भगवान महाकाल के दर्शन करने के लिए मंदिर पहुंची। यहां संध्याकालीन आरती में शामिल भी हुई। उन्होंने बाबा महाकाल की आरती की और करीब 10 मिनट तक नंदी हॉल में बैठकर दर्शन किए। सारा सफेद सलवार सूट में मंदिर पहुंची थी। मुंह पर मास्क होने की वजह से उन्हें श्रद्धालु पहचान नहीं सके। साथ ही इंदौर में हुई बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में शामिल होकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी महाकाल मंदिर पहुंचे। उन्होंने बाबा के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। जयपुर की 2 महिलाएं ट्रेनों में चोरी की वारदात को अंजाम दे रही थी। 5 वारदातों का खुलासा करते हुए पुलिस ने इनसे 5 ग्राम वजनी मंगलसूत्र और 43,000 रुपए जब्त किए हैं। दरअसल ट्रेनों में बढ़ती चोरी की वारदातों पर आरपीएफ और जीआरपी की टीमें नजर रख रही थी। धरपकड़ अभियान के तहत जयपुर की 55 साल की मंजू और 23 साल की अंजू उर्फ अन्नू उर्फ श्वेता को पकड़ा गया है। पूछताछ में इन्होंने अलग अलग ट्रेनों में 5 वारदात करना कबूल किया। ये महिलाएं कोच में यात्रा करती थी और मौका मिलते ही महिलाओं का पर्स उड़ा देती थी। पुलिस ने इनसे 5 ग्राम वजनी मंगलसूत्र और 43,000 रुपए जब्त किए। कोर्ट में पेश कर दोनों महिलाओं को रिमांड पर लिया गया है। इनसे कुछ और वारदातों का खुलासा होने की उम्मीदें हैं। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 के 205 वर्ष पूर्ण होने पर मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार महितपुर में 2 दिवसीय शहीद दिवस समारोह का शुभारंभ विधायक बहादुर सिंह चौहान के मुख्य आतिथ्य में महारानी तुलसाबाई एवं भीमाबाई के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। अध्यक्षता SDOP आर के राय ने की। विशेष अतिथि तहसीलदार विनोद शर्मा थे। पुराना बस स्टैंड स्थित विजय स्तंभ में शहीद वीर जवानों को सलामी दी गई। पुरातत्ववेत्ता डॉक्टर RC ठाकुर ने महितपुर सहित तहसील के लोगों द्वारा आजादी की लड़ाई में दिए गए योगदान को याद किया और इतिहास की जानकारी दी। में यहाँ पर एक अंग्रेजों और होलकर के बीच में भीषण युद्ध हुआ था, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों का निधन भी हुआ था और घायल भी हुआ। इसको घटना को 200 वर्ष पूर्ण हो गए। मैंने माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करा था तो 19 दिसंबर और 20 दिसंबर को 2 दिवसीय कार्यक्रम राज शासन की ओर से तय हुआ है और ये कार्यक्रम पूर्णतः शासकीय है और प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम शासन की ओर से आयोजित किया जाएगा। हमारी आने वाली पीढ़ी 200 वर्षों पहले इस महत्व में क्या घटना घटित हुई थी उसकी जानकारी युवाओं तक पहुँचे, आम जन तक पहुँचे, उसको लेकर आज कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। पर लाइटें लगाई जाएगी, प्राइवेट भवनों पर भी लोग अपनी इच्छा अनुसार जो है 19 तारीख की रात को 20 तारीख की रात को लाइटें लगाएगा ताकि लोग समझेगा आज क्या है, इसको लेकर पूरी तैयारी हमारी है। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के नए पदाधिकारियों ने समारोह पूर्वक शपथ ली। इस दौरान सेवानिवृत्त शिक्षकों का सम्मान समारोह सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल घोसला में किया गया। मुख्य अतिथि RSS के प्रांत सह कार्रवाई रघुवीर सिंह सिसोदिया थे। बीरवा समाज अपना स्थापना दिवस 31 दिसंबर को मनाएगा। स्थापना दिवस की तैयारियों के लिए उज्जैन शहर के 24 मोहल्लों की बैठक हुई। इसमें 1 जनवरी को संत बालीनाथ की महाआरती करने का फैसला किया गया। लाखों के पैकेज पर काम कर रही अग्रवाल युवतियों को सादगी पसंद जीवन साथी की तलाश है। अग्रवाल जैसिस के 4th युवक युवती परिचय सम्मेलन में 200 से अधिक युवक युवतियों ने परिचय दिया। 2 दिनी सम्मेलन में 48 रिश्ते तय हुए। ब्लड डोनेशन करने के लिए सर सैयद अहमद वेलफेयर सोसाइटी को सम्मानित किया गया। जिला चिकित्सालय के ब्लड बैंक से संस्था अध्यक्ष मोहम्मद इकबाल उस्मान ने सम्मान ग्रहण किया। दंदरोवा आश्रम में श्री अग्रवाल बायोडाटा बैंक ने कंबलों का वितरण किया। शिप्रा स्लीमिंग महिला विंग ने जरूरतमंदों को ऊनी वस्त्र भेंट किए। तो आपने देखा अभी न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबर को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हमें जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।